गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी वॉर्म वेलकम। केरला क्राइम ब्रांच से एक खबर है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये मामला है एक्टर दिलीप कुमार और 5 और लोगों पर FIR दर्ज की गई है। मामला है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पर अटैक की कॉन्स्पिरेसी रचने के चलते ये FIR दर्ज की गई है। क्या है पूरा मामला वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। साल 2017 एक्ट्रेस भावना मेनन को अबडक्ट किया गया, 2 घंटे तक कार में असॉल्ट किया गया, हालांकि बचते हुए निकल गई, लेकिन ये मामला आज तक कोर्ट में है। उसी के चलते भावना मेनन ने 5 साल बाद अपनी आप बीती अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए लोगों को बताने की कोशिश करी कि किस तरह से 5 साल से वो इसी मामले में फाइट कर रही हैं और किस तरह से अपने इस जीवन को उन्होंने पिछले 5 साल में जिया है, वो बताने की कोशिश की अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। दिस हैज नॉट बीन एन ईजी जर्नी, द जर्नी फ्रॉम बीइंग अ विक्टिम टू बिकमिंग अ सर्वाइवर। फॉर 5 years नाउ माई नेम एंड माई आइडेंटिटी हैव बीन सप्रेस्ड अंडर द वेट ऑफ द असॉल्ट इन्फ्लिक्टेड ऑन मी। दो आई एम नॉट द वन हु हैज कमिटेड द क्राइम, देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू ह्यूमिलेट, साइलेंस एंड आइसोलेट मी। But at such time, I have had some of who stepped in, forward to keep my voice alive. Now, when I hear many voices speak up for me, I know that I am not alone in this fight for justice. To see justice prevail, to get wrongdoers punished, and to ensure no one else goes through such an ordeal again, I shall continue this journey for all those who are standing With me, a heartfelt thank you for your love। ये कहना है भावना मेनन एक्ट्रेस का। कई फिल्म स्टार्स जो कि साउथ इंडियन फिल्म स्टार्स है, मलयालम फिल्म स्टार्स है, सपोर्ट में ट्वीट करते हुए दिखे और ये मामला सामने आया जिसको मैंने आप लोगों के सामने रखा। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस केस पर क्या आउटपुट आता है। जो भी खबर आती जाएगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा, लेकिन ये मामला बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट बड़े एक्टर्स का है और उसी के चलते ये खबर निकल कर आई जिसको मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। फिलहाल इतने ही कुछ और खबरों के साथ, कुछ देर में फिर जुड़ूंगा। अभी के लिए इतना ही।